channel, and in today's video we are just discussing about the hair fall problem. So जितने लोगों को hair fall की problem है ना, तो सब छोड़ छाड़ के, जो भी कोई काम कर रहा है, टीवी देख रहा है, सारी चीज़ें अपनी छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाइए, क्योंकि यहाँ आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके फॉल हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट जो यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपका हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो जाएगा एंड अच्छे से आपके हेयर्स जो हैं वो लॉन्ग लॉन्ग हो जाएंगे, बढ़ेंगे एंड टूटेंगे नहीं, एंड आप भी, आपकी स्माइल भी बनी रहेगी. सो चलिए फिर देख लेते हैं कि क्या है वो ट्रीटमेंट. अनाज सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, गलती कर रहे हैं आप, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड साथ में जो है बेल आइकन होगा उसको भी जो है प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि आप लोगों को मेरी जितनी वीडियोस मैं जब भी अपलोड करूँगी, सो आपको मेरी वीडियोस इजीली आप तक पहुँच जाएँ. सो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो. आई होप यू गाइज लाइक, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो हमारे इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ एलोवेरा जेल. सो ये तो आप बहुत बार देख चुके होंगे मेरी बहुत सारी वीडियोस में. सो मैं बहुत बार एलोवेरा जेल को यूज़ भी कर चुकी हूँ एंड इसके फ़ायदे भी बता चुकी हूँ, काफ़ी चीज़ें इसके साथ मैं कर चुकी हूँ, एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो ज़रूर से जाके देखिए, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए फटाफट से जाके, एंड चेकआउट करिए एलोवेरा वाली वीडियोज़. आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी. सो आज जो हम ट्रीटमेंट क्रिएट करने वाले हैं वो तीन इंग्रेडिएंट से बनने वाला है. सो उसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ एलोवेरा जेल. सो एज यू नो कि एलोवेरा जेल जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना हमारी हेयर्स के लिए, एंड एज वेल एज ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये आपके, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने हेयर के लिए, तो ये आपके हेयर में जो है एक बहुत अच्छे से शाइन लेकर आता है, साथ ही साथ ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दूर करता है. अगर आपके बाल जो है कमज़ोर हैं एंड आपके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं आपके बाल, तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं. इसे मैं अप्लाई कर चुकी हूँ बहुत बार, आप इसे अपने स्केल्प पे भी लगा सकते हैं, अपने पूरे फुल हेयर्स पे लगा सकते हैं, बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, एंड इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करें ये हेयर फॉल ट्रीटमेंट. सो हम यूज़ करने वाले हैं एलोवेरा. सो आप जो है नेचुरल एलोवेरा भी ले सकते हैं, जो कि ओरिजिनल एलोवेरा होता है, जो कि डायरेक्टली प्लांट से लिया जाता है, आप वो भी ले सकते हैं. एंड अगर आपके घर में प्लांट नहीं है एंड आपके पास नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप ये वाली बॉटल जो है परचेज कर सकते हैं. इस बॉटल के अंदर आपको मिल जाता है 150 ml, एंड ये बॉटल अराउंड 90 rupees की है. सो आप इजीली परचेज कर सकते हैं. पतंजलि का एलोवेरा जेल है, एंड आप कोई और ब्रांड का भी ले सकते हैं. मैं नहीं कह रही कि आप यही वाला ब्रांड लें, बट इट इज़ योर चॉइस कि आप कोई और ब्रांड का भी ले सकते हैं. सो हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ कोकोनट ऑयल. सो एज़ यू नो कि कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर के लिए, यानी हमारे हेयर्स में बहुत बहुत अच्छे से स्मूथ टेक्सचर लेकर आता है, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है, एंड साथ ही साथ हमारे हेयर्स को जो स्ट्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. कोकोनट ऑयल जो है आपके हेयर फॉल को भी रोकता है. अगर कोकोनट ऑयल के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, साथ ही एलोवेरा जेल के भी इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो वाई नॉट आप क्यों ना यूज़ करें इन चीज़ों को. एंड ये नेचुरल है, सो आप इन्हें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. आप इसमें ओरिजिनल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस. सो हमारा जो थर्ड इन्ग्रीडियंट है, दैट इज़ विटामिन ई कैप्सूल्स. सो विटामिन ई के कैप्सूल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं. सो विटामिन ई के कैप्सूल्स आप ले सकते हैं. ये वाली जो बॉटल है ये TBC की है, इसके अंदर एलोवेरा एंड विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं, ये दोनों मिक्सचर वाला कैप्सूल है, ये खाली विटामिन ई नहीं है. खाली विटामिन के कैप्सूल्स भी आते हैं, ग्रीन कलर की आते हैं, ये कुछ येलो कलर की हैं, आप देख सकते हैं. सो ये येलो कलर के हैं, ग्रीन कलर के भी आते हैं, तो वो भी ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि आप एलोवेरा वाला ही लें, आप नॉर्मल जो विटामिन ई वाला कैप्सूल आता है वो ले सकते हैं. सो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने वाले हैं, मिक्स करके अप्लाई करने वाले हैं अपने हेयर्स पे. सो आपको क्या करना है कि एलोवेरा जेल के आपको अकॉर्डिंग टू योर हेयर, आपको अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग, हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग जो है एलोवेरा जेल लेना है. सो एलोवेरा जेल आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे, एंड मेरे हेयर लेंथ जो है थोड़ी सी लॉन्ग है, सो मेरे हेयर लेंथ लॉन्ग है तो मैं उसके अकॉर्डिंग लूँगी. आपके हेयर लेंथ अगर शॉर्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे. सो आपको कितना लेना है यहाँ पे, आप इसकी 2 से 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं. सो गाइस, जो एलोवेरा जेल है उसको आपको अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेना है, एंड आप जो है इसको ले सकते हैं
लाइक मैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसको 3 ड्रॉप्स में लूँगी। अगर आपके हेयर छोटे हैं तो आप 1 या 2 ड्रॉप ले सकते हैं इसके। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करने वाले हैं, सो कोकोनट ऑयल को इसके अंदर मिक्स करने वाले हैं। जैसे कि आप कोकोनट ऑयल एलोवेरा जेल को मिक्स करेंगे तो एक वाइट कलर का पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा, एंड या जो कि बहुत स्मूथ पेस्ट होगा। एंड कोकोनट ऑयल के भी आप 3 to 4 ड्रॉप्स लेने वाले हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पे विटामिन के कैप्सूल्स देने वाले हैं। सो विटामिन के कैप्सूल्स आप लेंगे, इसमें एक कैप्सूल डालिए, बस एक कैप्सूल डालिए, इन तीनों को मिक्स करिए। बाद आप ये कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना के रख लीजिए, तो दैट कि आप इसको नेक्स्ट मॉर्निंग लगा लें एंड 3-4 डेज के अंदर रेगुलर ट्रीटमेंट जो है यूज़ कर पाएँ। सो आप इस तरह की कुछ बॉटल ले सकते हैं, छोटी सी क्यूट सी बॉटल्स आती हैं एंड ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी। सो आप इस तरह की बॉटल ले सकते हैं। मेरे पास ये बॉटल कैसे मैं बताती हूँ। ये जो बॉटल है कपूर की बॉटल है बेसिकली, सो कैम्फर राउंड टैबलेट आते हैं इसके अंदर, तो ये 25 रुपीज़ की बॉटल आती है एंड ये बिल्कुल खाली हो गई थी कपूर की बॉटल, सो मैंने ये वाली बॉटल रख ली क्योंकि मैं बहुत सारी रेमेडीज आपके साथ शेयर करती हूँ एंड मुझे बनानी नहीं पड़ती है रेमेडीज, सो इसीलिए ये मेरे लिए इफ़ेक्टिव रहेगी क्योंकि छोटी सी ये क्यूट सी है एंड इसके अंदर स्पेशियस है, सो ये बिल्कुल ठीक रहेगी एंड कैप वाली है तो और भी बेस्ट है। तो आप इस तरह की बॉटल ले सकते हैं, इस तरह की बॉटल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई बड़ी बॉटल में बना के रख लीजिए। बड़ी बॉटल में नहीं है तो आप डेली बना सकते हैं, तो फटाफट वाला काम है, फटाफट करिए, अप्लाई करिए अपने हेयर्स पे और उसको कोई 3-20 मिनट्स के लिए रख दीजिए, उसे वॉश कर लीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। बेसिक आपको अप्लाई करना है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होती जाएगी, डिमिनिश होती जाएगी एंड बस दैट्स इट, इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है एंड आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं इन तीनों के मिक्सचर से। ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स पे, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, बट इट डिपेंड्स, हेयर टू हेयर डिपेंड करता है। ऐसे ही अगर कोई स्किन का प्रोडक्ट है तो वो स्किन टू स्किन डिपेंड करता है एंड ऐसे ही हेयर के प्रोडक्ट जो होते हैं वो हेयर टू हेयर डिपेंड। आई होप ये ट्रीटमेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, हेयर फॉल को ट्रीटमेंट, एंड ये बेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट है एंड ये सारे जितने भी इंग्रीडियंट्स मैंने आपको बताए हैं बिल्कुल नेचुरल है एंड बहुत अच्छे होते हैं आपके हेयर्स के लिए। एंड साथ ही साथ ये तीनों इंग्रीडियंट्स मैं आप लोगों को एक टिप भी दे देती हूँ, ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, सो स्किन वाला मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करने वाली हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं हेयर फॉल की। सो आई होप यू गाइस लाइक, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू समवन एल्स एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।